यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इसी के साथ चंडीगढ़ दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रहने वाले हैं। मिल्खा सिंह से मुलाकात की जाएगी, संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत मुलाकात की जाएगी और पंजाब पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से भी मुलाकात की जाएगी। यहां पर आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल भी इसमें शामिल होंगे। तो पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल इसमें शामिल होंगे, प्रकाश सिंह बादल पूर्व सीएम पंजाब के, उनसे मुलाकात की जाएगी, मिल्खा सिंह से मुलाकात की जाएगी, संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत ये मुलाकात की जाएगी। तो आज चंडीगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं अमित शाह। इसी के साथ 2019 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। संपर्क फॉर अभियान बीजेपी की ओर से चलाया गया है और यहां पर मिल्खा सिंह से मुलाकात की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुमार रमेश हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार रमेश, आज अमित शाह चंडीगढ़ आने वाले हैं। देखिए बिल्कुल, उनका 11 बजे का जो प्रस्तावित समय है वो 11 से लेकर के 1 बजे के बीच में हिसाब से समय मिलेगा। उनके फ्लाइट लैंड करेगी यहाँ पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, उसके बाद उनके अलग अलग जगह जगह कार्यक्रम है और ऐसे ही वो शाम को लगभग 6 बजे के करीब वो मिल्खा सिंह से मिलेंगे। और कहीं ना कहीं जो भाजपा की जो नीतियां हैं, जो 4 साल के जो विकास कार्य हैं उसकी जो बुकलेट है वो उनको सौंपेंगे। इसी कैंपेन के तहत वो पीछे भी माधुरी दीक्षित से मिले थे और रतन टाटा से मिले थे, अब वो मिल्खा सिंह से मिलने आ रहे हैं। इसके अलावा 2-3 लोगों से और मुलाकात करेंगे। सारे जो कार्यक्रम है वो सब चंडीगढ़ में जो ऑर्गेनाइज है, गुरुद्वारे में भी जाएंगे और उसके बाद सेक्टर 8 में जाकर के वो मिल्खा सिंह से मिल करके अपना कार्यक्रम समापन करेंगे। तो ये मान ले कुमार रमेश, 2019 के लोकसभा चुनावों की तैयारी जोरों शोरों से कर रही है बीजेपी। देखो बिल्कुल, 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं और कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अगर कुछ लोगों को बताया जाए तो शायद उनको लगता है कि अच्छा वोट बैंक उनको दोबारा हासिल हो सकता है, इसके लिए सारा कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार रमेश तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर बाद अमित शाह चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं, शाम 6 बजे मिल्खा सिंह से मुलाकात की जाएगी और इसी के साथ पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल और डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के साथ भी मुलाकात की जाएगी। तो संपर्क फॉर अभियान के तहत ये मुलाकातें की जा रही हैं। इससे पहले भी हमारे संवाददाता ने जिस तरह से बताया कि माधुरी दीक्षित से मुलाकात की गई थी, रतन टाटा से मुलाकात की गई थी, तो जितने भी स्टार आइकन हैं इनसे मुलाकात कर रहे हैं अमित शाह और बीजेपी के 4 साल की उपलब्धियों को सभी को गिनवा रहे हैं।